हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग कोई लेक्चर नहीं करेंगे मैथमेटिक्स का। आज मैं डिस्कस करूंगा कि जितने भी लोग बीएससी में इस बार एडमिशन लेने वाले हो, वो लोग क्या होता है ना, जब बीएससी में 12th पास आउट होकर एडमिशन लेते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा ऑनर्स करूं जो हमारे फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा, क्या करना चाहिए, ऑनर्स कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा रहता है। तो बीएससी में ऑनर्स सब्जेक्ट जो होता है उसे चूज करने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। इवन बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि कमेंट में कि भैया बीएससी के लिए मैथ्स सही रहेगा या नहीं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। देखो बीएससी में जो है तीन चार सब्जेक्ट जो बीएससी के लिए वो क्या है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीन ऑनर्स होता है, और बायोलॉजी के लिए वो जूलॉजी बॉटनी वगैरह जो होता है वो भी होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब पहली बात तो इसे समझ लो कि बीएससी हम लोग कर क्यों रहे हैं। कुछ बच्चे का जो है बीएससी जो होता है उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इंटेंशन के साथ बीएससी ऑनर्स करते हैं। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो बीएससी इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं वो बीएससी लेवल पे निकलते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि उन्हें बीएससी की बस डिग्री चाहिए उन एग्जाम्स के लिए, तो वो लोग बीएससी में मेनली फोकस करके पढ़ाई नहीं करते, बस बीएससी की डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं। एक तो इस तरह के बच्चे होते हैं जो उनको मतलब ज्यादा मतलब बीएससी से लगाव नहीं है, बस वो डिग्री चाहते हैं। दूसरा होता है जो बीएससी के पढ़ाई से जो बीएससी में नॉलेज मिलना है, जो बीएससी में हम लोग को पढ़ाया जाता है उसका जो नॉलेज है उस नॉलेज का उपयोग करके अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। और तीसरा होता है जो बीएससी के थ्रू उसके बाद हायर स्टडीज को देख रहे हैं, यानी कि वो एमएससी हो गया, पीएचडी हो गया, वो रिसर्च वगैरह फील्ड में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे तरह के बच्चे मिलेंगे जो आपको बीएससी करते हैं और उनका इंटेंशन बहुत ही अलग अलग होता है। तो आज जो ये जो वीडियो है इसमें समझना होगा कि आप किस लिए बीएससी कर रहे हो, बीएससी करने का आपका इंटेंशन क्या है। और साथ ही साथ देखो अब यहाँ पे मैं आज जो मेनली डिस्कस करूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात करूंगा, क्योंकि मेरे को बायोलॉजी का भैया आइडिया नहीं है बिल्कुल भी नहीं, तो मैं उसमें ज्यादा अपना जो है दिमाग नहीं लगाने जा रहा हूं। तो मैं बता दूं, देखो मैथ्स का जो आपका स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, फिजिक्स का भी उतना ही ज्यादा स्कोप है और केमिस्ट्री का भी। देखो केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में देखो आपका क्या है, केमिस्ट्री में जो है रिएक्शन वगैरह है, और केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, केमिस्ट्री से आप केमिस्ट वगैरह जो होता है या फिर फार्मेसी वगैरह जो होता है उसमें केमिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो फार्मेसी यानी कि आप भी फार्मेसी बैचलर ऑफ फार्मेसी वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री का पढ़ाई करोगे तो आप लोग जो है मेडिसिन वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो वो सब जो है आगे काम आ सकता है। तो देखो केमिस्ट्री जो है आपको उस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा जिस तरह से कि आपको समझने की एबिलिटी अच्छी हो, रिएक्शन वगैरह। अगर आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, अगर 12th में बहुत इंटरेस्ट से आप पढ़ाई किए हो, तो आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए जा सकते हो, या फिर आपका फ्यूचर में आपका कोई केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाह रहे हो तो वो आप चूज कर सकते हो। और देखो अगर कुछ बच्चे हैं जो बीएससी इसलिए कर रहे हो कि डिग्री चाहिए उन्हें एग्जाम फॉर्म्स के लिए, तो देखो केमिस्ट्री से बढ़िया रहेगा कि आप लोग फिजिक्स या मैथमेटिक्स ऑनर्स करो, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, आप बिल्कुल वही करो जो आपको अच्छा लगेगा, ये बस मैं अपना ओपिनियन दिया हूं। ओके अब देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में मैं बता दिया कि रिसर्च करना चाहते हो, केमिस्ट्री केमिस्ट वगैरह जो होता है उन सब फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टीचिंग वगैरह लाइफ में जाना है, तो ये सब बढ़िया ऑप्शन है। ओके एक तो ये हो गया। अब मैं फिजिक्स ऑनर्स की बात करूं तो देखो फिजिक्स ऑनर्स के लिए आपको जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा कि आप लोग अगर फिजिक्स में सबसे पढ़ना तो है पीएचडी वगैरह जो हायर स्टडीज करना चाहते हो तो आप जाओ फिजिक्स के में इंटरेस्ट रखते हो तो, या फिर आप लोग अगर फिजिक्स को अपना जो है मतलब दिल से लगाव है फिजिक्स के लिए और आप 12th में बहुत ही बढ़िया किए हो तो फिजिक्स में जो है आपको टीचिंग जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, टीचिंग भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो रहेगा। और साथ ही साथ क्या है फिजिक्स के थ्रू आप लोग जो है रिसर्च वगैरह के साथ साथ और जो है मतलब जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको फिजिक्स के जो नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा काम आएगा, जैसे कि आपका जो है एग्जाम्स होते हैं जो जिसमें फिजिक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, जहां पे फिजिक्स हायर स्टडीज और फिजिक्स वाले प्रॉब्लम्स आएंगे तो वहां पे आपको फिजिक्स काम आएगा, और ये सब है फिजिक्स के लिए। मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो देखो मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा स्कोप है, ये मेरा आइडिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखो कुछ नहीं होगा तो आगे क्या है आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, और क्या ऑप्शंस हैं आप रिसर्च फील्ड में जाके अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हो, ये आप तीनों में कर सकते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट स्पेशली इन तीनों में से किस में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके तो आप या तो फिजिक्स रखो, केमिस्ट्री रखो या फिर मैथमेटिक्स, कोई सा भी ऑनर्स करो, इवन आप लोग बॉटनी जूलॉजी कोई सा भी ऑनर्स करते हो, आपका किस में इंटरेस्ट है, आप लोग 12th में कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा एंजॉय किए हो और आपको आगे किस में मतलब पढ़ने में मन लगेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखो। और साथ ही साथ आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो किसी भी सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में स्कोप है, बस आपको किसमें इंटरेस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना, यही मेरा कहने का मतलब है।
बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना रहो। रिसर्च अगर करना है तो आप लोग कोई सा जिस फील्ड में रिसर्च करना है, जिस सब्जेक्ट में, उसका सब्जेक्ट का ऑनर्स ले सकते हो आप लोग। और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना है तो भी आप लोग ऐसे सब्जेक्ट को चूज करो जिससे कि आपके एग्जाम जिसका आप फॉर्म फिलअप करोगे उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड हो, तो आपको फायदा मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हुआ। और साथ ही साथ आपको मतलब जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मोटिवेशन के लिए आपको मतलब जो इस तरह का भी डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बस कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है shubham_kchy, यानी कि shubham_kchy। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियोस के साथ। साथ ही मैथ्स का लेक्चर बीएससी और बीटेक वालों के लिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। जितने भी मैथमेटिक्स ऑनर्स रखने वाले हो आप लोग हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हो मैथ्स के ऑनर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।